नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन में पहली बार ऐसी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में स्वयं भगवान शनिदेव विराजमान हो चुके हैं। आपको बता दें कि दोस्तों यश में भगवान शनिदेव का परम शुभ योग आप सभी के कुंडली में राजयोग के निर्माण कर चुके हैं। और दोस्तों यश में भगवान शनिदेव आप शिव के जन्म काल में बैठ चुके हैं। और दोस्तों अब आप शिव के जन्म काल में जो घटनाएं होने वाले हैं दोस्तों, वाकई में आप शिव के जन्म काल को बदल देने वाले शब्द होंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर आप इन्हें अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, जो बातें हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, अगर आप उन्हें जान लिए तो दोस्तों आप अपने जीवन काल के सभी सुखों को हासिल कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी शनि के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, भगवान शनिदेव के लिए एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। और दोस्तों यकीन मानिए, भगवान शनि की असीम कृपा आपके जीवन काल पर यूं ही पड़ती रहेगी। तो दोस्तों हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन यही रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को आधे अधूरे देखकर छोड़ देते हैं और बाद में उनकी शिकायतें रहती है कि गुरुजी हमें यह बातें समझ में नहीं आई, यह बातें हमारे कैसे होंगी। तो दोस्तों आपके जीवन काल की हर परेशानियों का समाधान इस वीडियो में होगी, हर प्रश्नों का आपका उत्तर इस वीडियो में होगा कि आने वाले समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर और धन की स्थिति अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कैसे व्यतीत होने वाले हैं, इन सभी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बात से, जो कि दोस्तों आपको अपने आने वाले जीवन काल में याद रखने हैं, अपने जीवन काल में ढाल लेने हैं। इनसे दोस्तों आपके जीवन काल में एक अच्छी सोच विकसित होगा और इस सोच के साथ आप बहुत ही अच्छाइयों को, बहुत ही सफलताओं को छूने वाले साबित होंगे। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाओगे। जी दोस्तों, और फिर फकीर ने कहा, यही बात तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए फिर मौज करूँ, घूमू फिरूँ, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आपके भी जीवन काल में कोई दुख, कोई समस्याएं चल रही है तो दोस्तों आप इन्हें बिल्कुल अपने जीवन का बोझ ना माने, क्यों दोस्तों ये जीवन जीने के जरिए होते हैं। जो दोस्तों अगर ये जरिया ही खत्म हो जाए फिर दोस्तों जीवन जीने का क्या मतलब है। जी दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों इस बात के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों जी के साथ बात करते हैं कि भगवान शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है और अब आप शिव के जीवन काल में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में अधिकतर समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा, साथ ही दोस्तों सफलता मिलने से मानसिक शांति भी रहेगी। यश में जो समय होगा आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी यश में रहेगा जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक होगा, दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। यश में आपको बता दें कि अपने नजदीक मित्रों व फिर संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों हर किसी बात के बारे में बेवजह चिंता करने की वजह से हर बात में आपको यश में नकारात्मकता ही नजर आ रही है। यदि आप परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो दोस्तों खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी होगा, एक जैसी जीवन शैली रखने की वजह से आपके अंदर उदासीनता पैदा हो रही है।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें, इससे दोस्तों आपके अंदर मानसिक शांति व फिर ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। साथ ही दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। दोस्तों यश में निजी व्यक्ति से समस्या हो सकती है, साथ ही दोस्तों इनसे बचने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के किसी युवा व्यक्ति की खास प्रगति होगी, जिनकी वजह से पूरे परिवार में समाधान प्राप्त होगा। यश में आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन यह खर्चा आपके मौज मस्ती पर होगा, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों दिन की कुछ समय परिवारों के साथ मनोरंजन व फिर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी मुद्दे पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। दोस्तों यश में सावधानी और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, इससे आप परिस्थितियों को आसानी से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरों के झमेलों में अपना हस्तक्षेप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से काम में भी आपको यश में प्रगति और गति दोनों नजर आने वाली है। दोस्तों आप अकेले ही काफ़ी बातों का सामना यश में कर पाएंगे, जिनकी वजह से आपको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्हीं बातों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। घर के बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी समय आप आलस की वजह से कुछ काम नजरअंदाज ना करें। दोस्तों यश में इनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और दोस्तों यश में अपना आत्मविश्वास और फिर कार्यक्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों परिस्थिति में बार बार बदलाव आने की वजह से निर्णय ले पाना या फिर किसी एक ही निर्णय पर टिके पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको समाधान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी परेशानियां भी यश में रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय काम से संबंधित जिम्मेदारी को किसी के साथ बांटना यश में मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करना आपको पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसके उचित परिणाम भी आपको हासिल होंगे। हालांकि दोस्तों कुछ व्यापारी लोग अपने निजी कार्यों की वजह से कार्य क्षेत्र पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएंगी। दोस्तों व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों यह संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यह समय व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से होते जाएंगे। दोस्तों इसमें मार्केटिंग संबंधी कार्य भी इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में रुका हुआ पेशा भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। कुछ नए अनुबंध भी यश में प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिक स्थिति में यश में सुधार होगा। यश में साझेदारी संबंधी कार्यों में धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों घर के सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में नजदीकियाँ आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजे होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसे तालमेल बना रहेगा, जिनसे दोस्तों यश में आपसे संबंध भी मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। घर में अधिक हस्तक्षेप तथा रोक टोक करना पारिवारिक सदस्यों को नाराज कर सकता है। दोस्तों सबको अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय वातावरण सुखद रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों जोड़ों या फिर मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों व्यायाम या फिर योगा के लिए समय आप यह समय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय फालतू जो है जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी इस समय हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। गैस व फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपना खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा।